स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश बेल आइकन बाय दिस गिव रेस्पेक्ट टू योर जय सर। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड नमस्कार, माय नेम इज जेएस तिवारी। जय सर, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी आपदा रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो सेल देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे सेल होते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। जैसे टॉर्च का सेल, घड़ी का सेल, रेडियो का सेल, ये सारे सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करते हैं। क्या करके, केमिकल जो उनके अंदर भरा होता है वो केमिकल रिएक्शन करता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ओके, तो हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हमको देते हैं। तो उसके लिए ये जो है सेल बनाया गया है, ये एक डेनियल सेल है, तो इसे देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर ये रॉड लिया गया है जो कि जिंक है, जिसको यहाँ पर एक बीकर में रखा गया है। यहाँ पर पहले से सोल्यूशन है ZnSO4 सोल्यूशन। ये ZnSO4 सोल्यूशन ZN++ और SO4 डबल माइनस में टूटा हुआ है, मींस आयोनाइज है। इसमें ये रॉड डाल दी गई है जिससे जिंक इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब किसी मेटल को उसके साल्ट के सोल्यूशन में डालते हैं तो इलेक्ट्रोड बनता है। तो इस तरह से ये जिंक इलेक्ट्रोड बन गया। ऐसे इधर देखें, कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया गया है। ये कॉपर रॉड है और ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है यहाँ पर, इसमें Cu++ SO4 डबल माइनस है। अब देखिए, इसको जो है दोनों को एक साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया गया है और इन रॉड को दोनों को जो है वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। बीच में ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा। अब यहाँ क्या है, इसे एनोड क्यों बोला गया और इसे कैथोड क्यों बोला गया, तो इसके लिए ये ट्रिक है। AOCR जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं और जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। ये कैसे पता चले कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके लिए दूसरा फार्मूला LEO and GER। तो LEO means loss electron oxidation। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है। ऐसे यहाँ गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। क्यों, क्योंकि CR। अब ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये ZN जो है ये ZN टूट करके ZN2+ बनाता है। ZN से ZN2+ बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो ये रिएक्शन है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे और इधर आएंगे। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सल्यूशन के, ध्यान दीजिए, सल्यूशन के Cu2+ से ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, Cu, कुछ इस तरह से Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। तो यहाँ का रिएक्शन देख लीजिए और यहाँ का रिएक्शन देख लीजिए, दोनों में अंतर है। यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपने थोड़ा सा जाना। अगर इसको डिटेल में समझना है तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में डिटेल में इसका वीडियो है, वहाँ से समझ जाएंगे। हमारे इस टॉपिक में इतनी ज़रूरत थी इसकी, इसलिए हमने इसको यहाँ बता दिया।
अब देखिए इसके बारे में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड की ओर चलती है। ओके, तो इस तरह से ये आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन आपको पता चल गया। जब ये सारी सर्किट ऐसे कंप्लीट होती है तो इस तरह का ये वर्क होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अगर हमें इसका वर्क कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये देखिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको फिजिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पर फिजिक्स का एक फार्मूला है, उसका जो है थोड़ा सा यहाँ काम है। वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल होता है वर्क डन W अपान क्यू। ये Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, वर्क डन W, पोटेंशियल डिफरेंस V। ये हमें जो है फिजिक्स के फार्मूले की यहाँ पर जरूरत है। इसको अगर ऐसे लिखा जाए, क्योंकि हमको इसका वर्क डन निकालना है, इसमें जो काम हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वर्क डन अगर निकालना हो तो इसको बाहर करें, W इक्वल क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। ये Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमको वर्क मिल जाएगा। अब देखिए ये जो है Q इंटू जो V है, ये इसके बारे में समझिए कि ये V का यहाँ क्या रोल है। Q तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव हो गया, लेकिन ये B का क्या रोल है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है, इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे। सपोज दैट ये प्लास्टिक की पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है। जब ये पाइप एकदम ऐसे सीधे रहेगी तो ये पानी बराबर से ऐसे इसमें भरा रहेगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे डिफरेंस करते जाएं, माने एक सिरा इसका ऊपर करते जाएं दूसरा नीचे करते जाएं, तो इसमें से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा और इसका फ्लो तेज होता जाएगा अगर डिफरेंस को हम बढ़ाते जाएंगे। डिफरेंस नहीं तो पानी नहीं बहेगा, और अगर डिफरेंस लाएंगे माने ऊपर नीचे ऐसे करेंगे टेढ़ा, तो पानी बहेगा। ज़्यादा टेढ़ा करेंगे तो तेज़ी से बहेगा। तो अब आप दिमाग लगाइए कि इसको बहाने के लिए जो ये बह रहा है, ये जो फोर्स से पानी बह रहा है, यहाँ पर ये फोर्स कौन दिया, कहाँ से आया ये फोर्स, कोई हमने यहाँ मोटर भी नहीं लगाया, कोई चीज भी नहीं किया, तो ये कैसे जो है यहाँ पर पानी फोर्स से बहने लगा। सिर्फ मैंने क्या काम किया, इसके दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस कर दिया, एक सिरा ऊंचाई पर कर दिया दूसरा नीचाई पर कर दिया, माने यहाँ पर डिफरेंस आ गया पाइप में। अब इस पाइप के डिफरेंस के वजह से यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो गया, फोर्स पैदा हो गया, उस फोर्स के वजह से यहाँ पर पानी का बहाव, देखो डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस के वजह से फोर्स जनरेट हुआ है और ये फोर्स जो है पानी को तेजी से बहा रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर क्यों गए और फोर्सली क्यों गए, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आ गया जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर गए, दोनों बराबर थे, फिर इसमें ये कहाँ से फोर्स जनरेट हो गया, तो इसमें फोर्स ऐसे जनरेट हो गया जो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर की ओर लेकर के आया, वो फोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। बल माने फोर्स, वाहक माने कैरी करना, और विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाला ये फोर्स है, ये कैसे पैदा हो गया यहाँ पर, ये समझना है। तो यहाँ ऐसे पैदा हो गया कि एक बना एनोड दूसरा बना कैथोड, दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आया, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेंगे, आपका घर नया है और आपके घर के सामने एक पोल लगा हुआ है, तो अभी आपके घर में नया है इसलिए करंट नहीं है, माने आपके यहाँ कनेक्शन नहीं है। अच्छा, और पोल पर 220 वोल्ट का करंट है, ओके। जब आप कनेक्शन लेंगे तो आपके घर में भी लाइट आने लगेगी, कैसे, जब तक आपके यहाँ कनेक्शन नहीं है तब तक आपके यहाँ 0 वोल्ट,
और जैसे आपने वहां कनेक्ट किया वैसे आपके यहां करंट आने लगा। तो क्यों करंट आया वहां से यहां पर? इसलिए आया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फोर्स जनरेट हुआ। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? आपके घर का 0 और खंभे का 220 वोल्ट। तो ऐसे देखिए, ये वायर हो गया, ये वायर वहां का हो गया बिजली का जो खंभे में चल रहा, और ये तार जो है आपका आपके घर का हो गया। आप देखिए यहां 220 वोल्ट है और ये जो है 0 पर है। जैसे ही इसको रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, जैसे ही रखेंगे तैसे ये सिरा तुरंत 220 वोल्ट पर हो जाएगा और इधर अगला सिरा 0 पर है, तो इसलिए जो है ये इधर से इधर की ओर करंट भागेगा तुरंत और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी डिफरेंस की वजह से चलती है। इसके डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो अगर इस फार्मूले को इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर अप्लाई करें, ये W इक्वल Q इंटू B, ये Q जो चार्ज यहाँ मूव कर रहा है, V क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अगर होगा यहाँ पर तो ये चार्ज मूव ही नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को मूव करवा रहा है, इसलिए B की जरूरत है, और कितना चार्ज इसके वजह से मूव हुआ इसलिए Q की जरूरत है। तो V इंटू क्यू, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो यहाँ V इंटू क्यू करेंगे, वर्क डन आ जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें कैसे, ये W बन जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क, W को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क, और Q Q ही रहेगा, और जो B है ये इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये V कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से यहाँ इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ और अच्छी बात बताना चाहते हैं, जिससे इसमें जो है सॉल्व करने में, डेरिवेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन होते हैं? देखिए, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, ये क्या है? रिएक्शन है। जब प्रोडक्ट के साथ हीट निकले, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी प्लस हीट, प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो ये रिएक्शन ध्यान से देख लीजिए, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है। इसको हम इस बर्तन में इसको करवा रहे हैं, ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन के साथ हीट निकल रही है, ये हीट निकल रही है, देखिए हीट निकल रही है। तो जब यहाँ की हीट निकल जाएगी तो इसकी एनर्जी, हीट एनर्जी निकलने से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज एनर्जी क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि हीट एनर्जी यहाँ से, इस रिएक्शन की हीट एनर्जी निकल गई, जिससे यहाँ की एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज एनर्जी। ओके, तो रिएक्शन के लिए जो है अभी बात हुई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये गिब्स एनर्जी क्या है? देखिए, गिब्स तो साइंटिस्ट का नाम है, और एनर्जी मीन्स ऊर्जा ऑफ द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसकी एनर्जी के बारे में जो है गिब्स ने बताया था, उनके नाम के आधार पर गिब्स एनर्जी रखा गया है। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी है ये गिब्स एनर्जी कहा गया। ये गिब्स एनर्जी इसकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हीट निकल रही है वो, ये सिस्टम हो गया जहाँ वर्क हो रहा है, वो सिस्टम हो गया, और इसकी हीट कहाँ चली गई? अगल बगल, अगल बगल में सराउंडिंग में चली गई। तो हीट सिस्टम से कहाँ चली गई? सराउंडिंग में चली गई, जिससे इसकी एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, डिक्रीज एनर्जी। और इसको रिप्रेजेंट किया गया है माइनस डेल्टा जी से। डेल्टा जी मीन्स होता है गिब्स एनर्जी, और डिक्रीज हो रही इसलिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस डेल्टा जी। तो ये क्लियर हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी क्या होती है? माइनस होती है। क्यों माइनस होती है?
क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो जो हीट एनर्जी निकलती है वो सिस्टम से कहाँ चली जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है, जिससे इसकी एनर्जी घट जाती है और ये डेल्टा जी माइनस में मिलता है, नीचे की ओर एरो बना दिया गया। ओके, ऐसे इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखिए, इंडोथर्मिक रिएक्शंस में ए प्लस बी प्लस हीट एरो सी प्लस डी। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ हीट देना पड़ता है तब प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो इस तरह से यहां जब रिएक्टेंट और हीट मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं, ये देखिए इस बर्तन में, इस वेसल में रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें ए प्लस बी प्लस ये हीट एनर्जी दी जा रही है तब ये रिएक्शन हो रहा है, जिससे ये एनर्जी पा करके इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज एनर्जी। तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आसपास की एनर्जी माने सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आती है। तो इसलिए इसका जो डेल्टा जी आएगा, इसकी गिब्स एनर्जी आएगी, ऐसे रिएक्शन की गिब्स एनर्जी पॉजिटिव में हो जाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जान पाए कि कब एनर्जी, जो गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी, वो कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होता है, ये क्लियर हो गया। जब एनर्जी घट जाए तो निगेटिव, जब एनर्जी बढ़ जाए तो पॉजिटिव। ये इतना विशेष ध्यान रखिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अभी हम एक बार फिर से आपको बता दें कि ये W इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। ओके, इसी की जरूरत है यहां पर, ये इसी फार्मूले को यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क माने W इलेक्ट्रिकल इक्वल क्यू इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस तरह से यहां पर अप्लाई किया गया है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क माने W इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये उसी फार्मूले पर ये लगाया गया, उसी आधार पर ये डेफिनेशन बन रही है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज पास। जब टोटल चार्ज पास को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होती है। क्लियर, अब देखिए, अब हम इसको लाएंगे, फिर इसको लाएंगे, फिर इसको लाएंगे, फिर इन सब की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे और हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो 1, 2, 3 तीन पॉइंट्स में हम इनको लेकर के आएंगे और इसकी वैल्यू यहां रखेंगे और ये हो जाएगा डेरिवेशन। तो देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये तीनों को लाइन से यहां पर रखना है। तो पहले इलेक्ट्रिकल वर्क पर बात करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है W इलेक्ट्रिकल, ये वर्क डन बाई ए गैल्वेनिक सेल, जो गैल्वेनिक सेल है ये वर्क डन कर रहा है, ये इक्वल होता है गिब्स एनर्जी डिक्रीज के, मींस जितना एनर्जी इसकी डिक्रीज होती जाएगी उतना वर्क डन होगा। जैसे आपने काम किया तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जितना एनर्जी डिक्रीज हुई उतना आपने क्या कर दिया, काम कर दिया। तो वर्क डन बाई ए गैल्वेनिक सेल इक्वल टू गिब्स एनर्जी डिक्रीज, इसकी एनर्जी जितना खर्चा हुई उतना इसने काम कर दिया, ये दोनों बातें क्या हैं, बराबर हैं। अच्छा, गिब्स एनर्जी डिक्रीज को कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा जी, क्यों, क्योंकि घट रही है इसलिए माइनस डेल्टा जी। तो ये पॉइंट फर्स्ट क्लियर, अब हमें इलेक्ट्रिकल वर्क के जगह पर क्या रखना रहेगा, गिब्स एनर्जी डिक्रीज मींस माइनस डेल्टा जी। अब आप पॉइंट सेकेंड देखिए, क्यू इक्वल एन एफ होता है, ये फार्मूला है क्यू इक्वल एन एफ। क्यों Q इक्वल एन एफ ही होता है, इसको देखिए, ये Q के जगह पर एन एफ कैसे आया, ये दोनों बराबर कैसे हुए, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इतना आपको पहले से पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लिखा हुआ है, ये इक्वल होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम, माने एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ये आप पिछली कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो है केवल ये समझाने के लिए है, ये वैल्यू बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन का कोई जो है महत्व नहीं है। हम लोग केमिस्ट्री में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर मोल में पढ़ाई होती है, ठीक है।
तो मोल में यहां बात करेंगे। बड़े जो है लेवल पर मोल में वर्क होता है, रिएक्शंस होते हैं, तो इस तरह से मोल की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन से यहां मतलब केवल सिर्फ समझाने के लिए है कि एक इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू कितना होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम चार्ज, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा। तो पहले ये पता करिए कि वन मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है। आपको पहले से पता है 6.022×10^23 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये एक मोल की वैल्यू होती है। ये एक मोल की वैल्यू फिक्स है। ये चाहे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, चाहे एटम ले लीजिए, चाहे मॉलिक्यूल ले लीजिए, चाहे आयन ले लीजिए, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे जिस चीज के हो। ओके, तो वन मोल में इतने पार्टिकल हो गए और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम चार्ज हुआ। तो अगर हमें वन मोल पर पूरा निकालना है कि कितना कूलाम चार्ज हुआ, तो दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल मल्टीप्लाई कर दिया गया 6.022×10^23 × 1.602×10^-19 कूलाम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वन मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मिल जाएगा, हमको वन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम चार्ज है ये मिल जाएगा। तो चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल 9.64724×10^23×10^-19 कूलाम। ये वैल्यू कहां से आई, ये क्या किए कि 1.602 को 6.022 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में क्या बचा, 10^23 × 10^-19 ये वैल्यू बच गई। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -19 और इसका +19 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 10^4 बचेगा। और इसको जो मल्टीप्लाई किए थे, इसको ध्यान से देखिए, तो ये पॉइंट को हटा देंगे कितनी बार, चार बार इधर कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10^4 है, तो ये वैल्यू पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू लगभग कितना आएगी, 96500 कूलाम। इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा, 96500 कूलाम। इतना कूलाम चार्ज इसके ऊपर वन मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो ये कितने की वैल्यू है, 96500 कूलाम कितने की वैल्यू है, ये है वन मोल इलेक्ट्रॉन की। कितने की है, वन मोल इलेक्ट्रॉन की। और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, 1F बोलते हैं, 1 फैराडे। ओके, इस वैल्यू को 1 फैराडे बोलते हैं। तो 1 फैराडे इक्वल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजें बराबर हैं। क्या, 96500 कूलाम इक्वल 1F इक्वल 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बराबर हैं। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल 1F, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल 2F, तो n मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल NF। तो ये कितना वैल्यू आ गया, Q की वैल्यू आ गई, NF, Q इक्वल NF। ये कहाँ से आ गया, आप जान गए, तो ये Q के जगह क्या रख सकते हैं, हम NF रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, दूसरी वैल्यू मिल गई। पहली वैल्यू हमको मिली थी क्या, -ΔG, दूसरी वैल्यू मिल गई NF। तो जहाँ पर हमको W के जगह रखना था, वहाँ क्या करेंगे आप, -ΔG वहाँ रख देंगे, और Q के जगह क्या रख देंगे, अब NF रख देंगे। और अब हमें तीसरा निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड में से एनोड को घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। ओके, किसका हो जाएगा, पूरे सेल का, इसीलिए इसे ई सेल कहते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर है, ई सेल के बराबर। ई सेल कहाँ से आया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू मिल गई, वहां पर क्या रखना है, ई सेल रखना है। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई, अब रख देना है इस जगह पर। तो W इलेक्ट्रिकल के जगह पर क्या हो जाएगा, ΔRg, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसके जगह पर ये आ गया इक्वल, यहां का माइनस यहां पर लिख दिया गया है। Q के जगह पर क्या आ गया, NF। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा Q इक्वल NF। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जगह पर
आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल क्या है, ई सेल, तो इसके जगह पर ई सेल रख दिया गया। तो ये फार्मूला मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन लगता है और आगे बहुत जरूरत लगेगी। तो इस तरह से ये फार्मूला कहां से आया, बहुत आसानी से ड्राइव हो गया। आप देखिए ये जेड एन जो कि सॉलिड था, जेड एन टू प्लस एक्वस में चला गया, सी यू टू प्लस एक्वस में था, सी यू बन के सॉलिड में आ गया। तो इस तरह के रिएक्शन है, इसके लिए अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, टू इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो डेल्टा आर जी इक्वल माइनस टू एफ, एन की जगह टू आ गया, एफ ई सेल। तो ये क्लियर हो गया आपका। ये रिएक्शन देखना हो, ये रिएक्शन कैसे इस तरह से आ गया, तो देखिए इस इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। जेड एन एरो जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सी यू टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन एरो सी यू। अब इसको कंबाइन कर देंगे, ये टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, जेड एन प्लस सी यू टू प्लस एरो जेड एन टू प्लस सी यू। ये रिएक्शन ऐसे आता है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये रिडक्शन हाफ सेल दोनों को कंबाइन कर दिया गया, ये रेडॉक्स रिएक्शन बन गया। तो इस तरह से यहां तक क्लियर हो। यहां पर इसको देखिए, वेन टू जेड एन प्लस टू सी यू टू प्लस एरो टू जेड एन टू प्लस टू सी यू। अब इसकी क्या जरूरत है, ये बताने के लिए कि जो डेल्टा आर जी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मींस ये जो है यन पर डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर ये डिपेंड करती है। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर ये फिर से लिया गया और ये वैल्यू यहाँ चेंज करके दिखाया गया। तो देखिए जब यहाँ पर यन चेंज कर दिया गया तो उसके लिए ये वैल्यू आ गई, कैसे, डेल्टा आर जी इक्वल माइनस फोर एफ। यहाँ पर एक जब था सिंगल तब टू इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, और जब यहाँ टू आ गया आगे तो टू टू क्या हो जाएगा, फोर नहीं हो जाएगा, तो इस तरह से फोर आ गया इस रिएक्शन के लिए, तो फोर एफ ई सेल। ये क्लियर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, कहा जा रहा है कि यहां पर जो भी रिएक्शन कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या ले लिया जाए, यूनिटी वन ले लिया जाए, या ऐसे कह लीजिए कि इन सबको स्टैंडर्ड कंडीशन कर दिया जाए। स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे बनाया जाता है, टेम्परेचर 298 कर दीजिए, ओके, और जो सॉल्यूशन है उसे 1 मोलर कर दीजिए। तो इस तरह से ऐसा सब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल चला जाएगा। तो जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेंगे तो ये ई सेल भी तो बदल जाएगा, स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेल का वो चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस फार्मूले में अब ई सेल के जगह पर स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, यहाँ पर डेल्टा आर जी भी बदल जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हो जाएगा, ये बदल जाएगा। तो बस केवल यहाँ पर क्या कर देना है कि जब हम स्टैंडर्ड ले लेंगे, यूनिटी कर देंगे कंसंट्रेशन को, तो स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड लेने पर ये दोनों स्टैंडर्ड हो जाएंगे, तो ऐसे डेल्टा आर जी नॉट। तो इस तरह से गिब्स एनर्जी जो ये है ये हो गई स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं किया गया, बस केवल इसके जगह पर स्टैंडर्ड, इसके जगह पर स्टैंडर्ड कर दिया क्योंकि वैल्यू स्टैंडर्ड ले लिए थे। बी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन के द्वारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे, ऐसे देखिए डेल्टा आर जी नॉट इक्वल माइनस, सेम हो गया यहाँ तक एन एफ। अब ई नॉट सेल जो है इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं, कैसे, ई नॉट सेल इक्वल होता है आर टी अपान एन एफ एल एन के सी, ये पीछे दिया हुआ है, पिछले हेडिंग में हमने पढ़ाया है, वो वीडियो में है आप देख सकते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल आर टी अपान एन एफ एल एन के सी होता है, तो ई नॉट सेल के जगह पर इसको रख देंगे, ये ई नॉट सेल के जगह पर रख दिया गया आर टी अपान एन एफ एल एन के सी, एन एफ कैंसिल हो गया,
ये NF NF कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल माइनस आर टी एल एन के सी, इस तरह से ये हम लोगों को वैल्यू मिल गई। तो इसको जो है बुक में कैसे लिखा हुआ है लाइन टू लाइन आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, अब ध्यान से देखिए जितना समझाया वही चीज सारा लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन वन सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज पास्ट। इफ वी वॉन्ट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, अगर गैल्वेनिक सेल से मैक्सिमम वर्क चाहते हो देन चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली, तो मैक्सिमम वर्क करवाना है तो चार्ज को रिवर्सिबली पास कराएं। ये कैसे, इस फिगर में देखिए, व्हेन ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे एंड करंट फ्लो फ्रॉम ZN टू CU, और करंट ZN से CU की ओर आएगा। जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड, और जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक डिपॉजिट होने लगेगा एंड कॉपर डिजॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहां पर देखिए रिवर्सिबल हो रहा, द रिवर्सिबल वर्क डन बाई गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी, अब जब वो वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, माइनस डेल्टा जी हो जाएगा, अभी मैंने दिखाया ही था। एंड देयरफॉर इफ द ईएमएफ ऑफ सेल इज ई, और ईएमएफ भी बताया था कि ई है, एंड एनएफ, एनएफ क्या, क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड एंड डेल्टा आर जी इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो ये डब्ल्यू के जगह पर क्या आ गया, डेल्टा आर जी की जो वर्क हो रहा है वो गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस, कितने चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है एन का इसलिए एन, और एफ, एफ जो है फैराडे, ई सेल ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये फार्मूला बता ही दिया था, निकल आया था, ओके जानते हैं इसके बारे में। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर, जो ई सेल है ये इंटेंसिव पैरामीटर है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, बट डेल्टा आर जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, अभी समझा ही था ये एक्सटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू डिपेंड ऑन एन, इसकी वैल्यू एन पर माने इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। दस इफ वी राइट द रिएक्शन जेड एन प्लस यू टू प्लस एरो जेड एन टू प्लस प्लस यू, इस रिएक्शन के लिए अगर लिखें तो डेल्टा आर जी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो माइनस टू एफ ई सेल, बट वेन बी राइट द रिएक्शन इस तरह से अगर रिएक्शन करें टू जेड एन प्लस टू सी यू टू प्लस एरो टू जेड एन टू प्लस प्लस टू सी यू, कब, ये दिखाने के लिए कि जो डेल्टा आर जी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एन पर डिपेंड करती है, तो देखो इसका एन बदल दिया गया, यहाँ पर एक सी यू दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है सी यू जेड एन के बीच में, तो ऐसे यहाँ पर दो जेड एन दो सी यू के बीच में फोर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तो इस तरह से देखिए यहाँ एन बदल गया, तो एन बदलने से ये वैल्यू बदल जाएगी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी देन ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, अगर इसका स्टैंडर्ड कंडीशन कर दिया जाए तो ई सेल ई नॉट सेल में बदल जाएगा एंड वी हैव, तब क्या करेंगे तो ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा डेल्टा आर जी जे, इस तरह से भी स्टैंडर्ड लिखा जाता है कभी कभी नॉट और कभी इस तरह से भी, इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ओके। अब ई नॉट सेल इक्वल होता है आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, अब इसको यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देंगे तो ये डेल्टा आर जी जे इक्वल माइनस एन एफ इंटू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, एन एफ एन एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा डेल्टा आर जी जे इक्वल माइनस आर टी एल एन के सी, ये आ गया। दस फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ ई नॉट सेल वी कैन ऑब्टेन एन इम्पॉर्टेंट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी, अगर ई सेल पता चल जाएगा तो उससे इम्पॉर्टेंट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी निकाल लेंगे जो कि क्या है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये मिल जाएगा। फ्रॉम द लेटर वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस फार्मूले से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर दिया जाएगा बाय द इक्वेशन। अब ये छोटा सा सवाल है देख लीजिए, एग्जाम्पल 3.3 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन जेड एन प्लस यू टू प्लस एरो जेड एन टू प्लस प्लस यू, इसके लिए फार्मूला यही डेल्टा आर जी जे इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन इज द अबव इक्वेशन इज टू,
अबव इक्वेशन के लिए जो n है वो क्या आ रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है और फेराडे 9647 कूलाम पर मोल एंड ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट। अब सारा चीज दिया ही है, बस केवल यहाँ रख दीजिए, रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जूल पर मोल में आ जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, किलो जूल में लाना है, अपान 1000 कर दीजिए, 1000 कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, बल्कि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये किलो जूल पर मोल निकल आया। आसान सा क्वेश्चन था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।